दोस्तों, आज आप लोगों को मैं ब्रिटिश इंडिया क्वार्टर ऑन कॉइन का कुछ जानकारी देगा। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एडवर्ड 7, जॉर्ज 5 और जॉर्ज 6 का कुछ कॉइन मेरा पास है, करीब 200 होगा। तो ये जो कॉइन आप देख रहा है, इसका भाव क्या, ये कितना में बिकता है और आदमी लोग कैसे इसको पहचानेगा, इसका बारे में मेरा पास जो किताब है कॉइनेज, वो किताब से आप लोगों को मैंने आज जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, पहले देखिए एडवर्ड 7 1/4 आना कॉपर कॉइन, बायां तरफ साल दिया हुआ है और उसका बाद देखिए उसका रेट भी दिया हुआ है और कौन मिंट में ये कॉइन प्रिंट हुआ था वो भी दिया है। तो जॉर्ज 5 का ऐसा ही आप लोग को मैं दिखाएगा। एडवर्ड का ये जो कॉइन है 1903 से 1906 तक ये कॉपर में बना था, इसका जो कीमत है फाइन कंडीशन का 50 रुपीज़, उसका बाद इसका कीमत UNC तक गया 1000 रुपीज़ पर कॉइन। एडवर्ड का दूसरा जो कॉइन था वो था ब्रोंज का, आप देख रहे हैं उसका जो रेट है वो मैं बताएगा। देखिए 1906 से 1910 तक एडवर्ड का कॉइन का भाव यहाँ पर दिया हुआ है। 2006 का एक कॉइन का दाम है 200 रुपया, उसका बाद इसका ग्रेडिंग का अनुसार 4000 रुपया तक इसका दाम है, कैलकाटा मिंट वाला एक कॉइन। उसका बाद 50 से 800 रुपया, उसका बाद देखिए 1909 का जो कॉइन है उसका दाम शुरू से 1000 रुपया, उसका बाद ये 20000 तक इसका दाम है। एक कैलकाटा मिंट का कॉइन है, रेयर है। एडवर्ड का जो कॉइन ब्रोंज वाला कॉइन 2009 का और 2006 का एक कीमती वाला कॉइन है। उसके बाद देखिए जॉर्ज 5 का कॉइन कॉपर कॉइन, इसका जो 1911 का कॉइन है वो कीमती है 500 से शुरू होके 6000 तक। उसके बाद 1916 का जो कॉइन है वो भी 500 से शुरू होता है, उसका बाद 15000 तक इसका दाम जाता है। उसका बाद 25-50 ऐसा करके 100-200 रुपया का ये कॉइन बिकता है। इसका बाद देखिए जॉर्ज 5 का 1936 तक कॉइन का रेट यहाँ दिया हुआ है। और इसका बाद आया जॉर्ज 6 कॉपर कॉइन 1/4 आना, इसका भी कीमत देखिए 1938 से लेकर 1941 तक इसका कीमत है 42 तक। 1941 का जो क्वार्टर आना कॉइन है ये सबसे कीमती है, 1000 रुपया से शुरू होता है इसका दाम और 5000 तक इसका दाम है। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को कॉइनेज किताब से एक कॉइन का दाम बताया। तो मेरा पास ऐसा कॉइन बहुत सारे है, आप लोग को मैंने दिखाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सबका मेरा नमस्कार।